या फिर आप चाहते हैं कुछ ऐसे एडवांस लेवल गैजेट इंस्टॉल करना जिससे कि ड्राइविंग करने में आपको काफी हेल्प मिले, तो आप नंबर 10 आई लाइक आइस कार कुशन। आजकल कार में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, लेकिन हर मॉडल में वेंटिलेटेड सीट्स अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर आप गर्मी के मौसम में कार की गर्म गर्म सीटों में बैठते हैं तो काफी अनकंफर्टेबल कर देती हैं ऐसी चेयर्स, जिसके लिए खास तौर पर बनाया गया है इस तरीके के सिस्टम को जो कि आपकी चेयर वेंटिलेशन का काम करेगा। इस गैजेट में मजेदार चीज ये रहती है कि इसके साथ आपको एक छोटा सा कूलर मिल जाता है जिसे कि कार की चेयर के निचले हिस्से में सेटअप कर देना होता है, और इसके साथ मिलने वाले टेम्परेचर पैड्स को आपको अपनी कार की सीट्स में लगा लेना है जो कि आपके लिए एक वेंटिलेटेड सीट्स की तरह काम करेगी, जिसे कि आप किसी भी एग्जिस्टिंग कार के साथ सेटअप कर सकते हैं। कार चाहे जो भी हो, बस इसे कार के सिगरेट लाइटर के साथ पावर दे दीजिए, जिसके बाद आपकी सीट्स गर्मी के मौसम में काफी ज्यादा कंफर्ट आपको फील कराती हैं। तो इस तरीके का गैजेट खास तौर पर कार ओनर्स को काफी पसंद आएगा, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 9 ओवरलैंड हैमॉक स्टैंड। जो लोग कार से लंबी लंबी ट्रिप्स पर जाते हैं और कैंपिंग करते हैं, उनके लिए ये हैमॉक स्टैंड काफी ज्यादा काम की चीज है। दरअसल ये एक तरीके का ऐसा पोर्टेबल स्टैंड होता है जिसे कि आप अपनी कार की हेल्प से सेटअप कर पाएंगे। इसके एक हिस्से को आप अपनी कार की रूफ रेल के साथ अटैच कर देते हैं और दूसरे हिस्से में आपको एक स्टैंड मिल जाता है जो कि जमीन पर सेटअप किया जाता है, और इसके बीचों बीच आप हैमॉक लगाकर आराम कर सकते हैं। इसमें हैमॉक की भी अलग अलग स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगी, जिसका इस्तेमाल एक छोटे से झूले के तौर पर तो किया ही जा सकता है, और अगर आप टेंट का सेटअप चाहते हैं तो भी इस तरीके के स्टैंड की मदद से वो भी पॉसिबल हो जाता है। इस तरीके का कैंपिंग सेटअप काफी इजी टू यूज होता है, जिसे कि आप कहीं भी लेकर साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 8 जेटा 1024। दोस्तों अब आप देख रहे हैं एक ऐसा गैजेट जो कि एक टायर इन्फ्लेटर और पावर बैंक दोनों की ही तरह काम करता है। साइज वाइज देखा जाए ये गैजेट आपको एक छोटी सी पावर बैंक जैसा नजर आएगा, जिसका इस्तेमाल आप लंबी ट्रिप्स में अपने टायर को इन्फ्लेट करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप कहीं लंबी रास्ता में जा रहे हैं, टायर का प्रेशर कम है, तो बस इसे ऑन करिए और ये आपका काम फटाफट कर देगा, जिससे कि आप टायर के साथ साथ स्पोर्ट्स बॉल को भी रिफिल कर सकते हैं। इस गैजेट में आपको अलग अलग मोड्स दे रखे होंगे, जिससे कि आप प्रेशर को भी मैनिपुलेट कर पाएंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। और यही नहीं दोस्तों, इसमें आपको एक पावर बैंक का भी फीचर मिल जाता है, जिसे कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हैं इस गैजेट का इस्तेमाल करके। इसमें एक छोटी सी एलईडी लाइट भी लगी होती है जो कि आपके लिए छोटी सी टॉर्च लाइट के तौर पर भी काम करेगी। तो इस तरीके का गैजेट आप अपनी कार की डेली यूज किट में रख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा मल्टीपर्पस होता है। नंबर 7 बेड स्लाइड। इंडिया के अंदर आजकल लोग पिकअप ट्रक्स को काफी ज्यादा इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कंफर्टेबली ट्रैवल करने के साथ साथ आपको सामान रखने के भी काफी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसे कि पिकअप ट्रक्स के पिछले हिस्से में लोड किया जा सकता है, और वहां पर इस तरीके का अटैचमेंट काफी काम आएगा, जहां पर सामान की लोडिंग और अनलोडिंग काफी आसान हो जाती है। दरअसल ये एक तरीके का स्लाइडर होता है, जिसे कि पिकअप ट्रक के पिछले हिस्से में इंस्टॉल कर दिया जाता है, और इस स्लाइडर पे आप काफी सारा सामान लोड कर सकते हैं इसे बाहर निकाल कर, और जब आपका पूरा सामान इस पर रख जाए तो फिर इसे अंदर की तरफ पुश कर दीजिए और आपके पिकअप ट्रक में पूरा सामान लोड हो जाता है, और अनलोडिंग करना भी इससे बेहद आसान रहता है, यानी कि सामान आप जब चाहें इससे निकाल सकते हैं इसे बाहर की तरफ स्लाइड करके। तो इस तरीके से एक पिकअप ट्रक की लोडिंग और अनलोडिंग काफी आसान हो जाती है इस सिस्टम की मदद से। नंबर 6 ब्लू बॉक्स कोपायलट। कार में सेफ्टी के साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग काफी जरूरी होती है, और यहाँ पर ये गैजेट आपकी काफी हेल्प करने वाला है इस काम में। ये एक तरीके का एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम होता है, जो कि आपको काफी ज्यादा फीचर्स अवेलेबल कराता है, जिससे कि गाड़ी चलाने के साथ साथ उसकी निगरानी करने में काफी आसानी रहती है। इस गैजेट की मदद से आप आसानी से कार के अंदर बैठे लोगों को लाइव ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कौन गाड़ी में बैठा है, और अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन बैठता है तो ये फौरन आपको एक नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा। ओवर स्पीडिंग होने पर भी ये आपको अलर्ट देता है, और साथ ही साथ ये भी कैलकुलेट करता है कि आपने कितनी ट्रैवल की है, जिसे कि आप इसकी लॉग बुक में जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें मोशन सेंसर्स जैसे कमाल के फीचर्स भी इनबिल्ट रहते हैं, जिससे कि रात के समय ये आपकी गाड़ी की सेफ्टी के तौर पर भी काम करेगा, जिससे कि अगर कोई भी आपकी गाड़ी को टच करता है या फिर उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी मोबाइल फोन पर, जिससे कि आप अलार्म को एक्टिवेट करके फौरन सामने वाले को डरा सकते हैं। ये गैजेट आपको क्लाउड स्टोरेज की भी सुविधा देता है, और सारी रिकॉर्डेड फुटेज आप जब चाहें लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर, या फिर आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। तो व्हीकल की एडवांस सेफ्टी पर्पस ये गैजेट अपने आप में एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 5 सेफ्टी फर्स्ट कार सीट। कार में अगर आप छोटे बच्चों के साथ सफर कर रहे हैं तो आपको जरूरत होती है एक आइसोफिक्स चाइल्ड सीट की, जिसे कि आप कार की पिछली सीट पर लगा सकें और बच्चे आपके सेफली ट्रैवल कर पाएं। तो ये एक तरीके की ऐसी ही सीट होती है, जिसे कि खास तौर पर उन कार ओनर्स के लिए बनाया गया है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। इस सीट के बेस को आप अपनी कार की सीट के साथ अटैच कर सकते हैं, जिसमें कि आप सेफ्टी पर्पस सीट बेल्ट और फंसा देते हैं, और आपको एक रोटेटेबल चेयर मिल जाती है जो कि बच्चों के लिए बनाई गई है, जो कि बेहद कंफर्टेबल भी रहेगी, जिससे कि आप 360 डिग्री में रोटेट कराकर अपने चाइल्ड के व्यू को एडजस्ट भी कर सकते हैं।
हैं, यानी कि ये सीट का व्यू एक जगह पर फिक्स नहीं रहता है, जिससे कि ना तो बच्चे बोर होंगे और सेफली आराम से ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी छोटे बच्चों को बैठाने के लिए कार में एक आइसोफिक्स कार सीट लगाना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट का। नंबर 4, कार ट्रैश बैग। अगर आप कार से लंबी ट्रिप पर जाते हैं तो अक्सर काफी सारा कूड़ा वगैरह इकट्ठा होता रहता है आपके खाने पीने के दौरान, जिसे कि हम में से बहुत लोग यूं ही फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप इसे इकट्ठा करना चाहते हैं और एक जगह पर डिस्पोज करना चाहते हैं तो ये गैजेट आपकी काफी हेल्प करेगा। ये एक तरीके का ऐसा छोटा सा वेस्टेज बैग होता है जो कि कार के एक हिस्से में इंस्टॉल कर दिया जाता है, और जब आप इसे बैग को खींचकर बाहर निकालते हैं तो आपको एक डिस्पोज बैग मिल जाता है जिसमें कि आप काफी सारा कूड़ा वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ भी होता है, जैसे कि गीला कूड़ा यानी कि चाय और कॉफी वगैरह भी अगर आप इसमें भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं, और जिसके बाद आप आराम से उसे फेंक पाएंगे। तो बड़ा ही आसान रहता है इस तरीके से कार को साफ रखना, जिससे कि सारा का सारा कूड़ा एक जगह पर होगा और अब आप चाहें इसे रिसाइकल बिन में डाल सकते हैं। नंबर 3, मिनी एयरबैग। कार के अंदर रखी हो चाबी और कार ऑटोमेटेड तरीके से लॉक हो जाए और आप बाहर खड़े हो और कार की चाबी तक ना पहुंच पाए, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। आप में भी यकीनन किसी न किसी के साथ तो जरूर हुआ होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी बताएगा। लेकिन फिलहाल इससे निपटने का साधन मैं आपको बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जिसका इस्तेमाल आप एक एयर जैक के तौर पर कर सकते हैं, जिसे कि आपको कार की गेट पर लगा देना होता है और जैसे ही आप इसे फुलाते हैं तो ये कार और डोर के बीच में एक हल्का सा गैप निकाल देता है, जिसमें कि आप इसके साथ मिली स्टिक का इस्तेमाल करके अपने कार को अनलॉक कर सकते हैं। इस तरीके से बड़ा ही आसान रहता है अपनी कार को ओपन करना इस गैजेट की मदद से। लेकिन ये काम अगर आप मैनुअल करेंगे तो आपको काफी समय लग जाता है, लेकिन ये गैजेट आपके डोर को ओपन करने में काफी हेल्प करता है। नंबर 2, स्पाइडर बॉट। दोस्तों, अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक तरीके का माउंट होता है, जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग तरीके की चीजों को लगाने के लिए कर सकते हैं। इस माउंट की खास बात ये रहेगी कि इसे आप कार के बोनट पर सेटअप कर पाएंगे। इसमें अगर आप चाहें तो वीडियो कैमरा को अटैच कर सकते हैं या फिर थर्मल कैमरास को भी अटैच कर सकते हैं। इसकी खास बात ये रहती है कि इसे आप रिमोटली कहीं से भी कंट्रोल कर पाएंगे और इसके कैमरा की डायरेक्शन को आप जहां चाहें वहां चेंज कर सकते हैं। साथ ही आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर कि इसका थर्मल कैमरा क्या रिकॉर्ड कर पा रहा है। तो इस तरीके के गैजेट को खास तौर पर बनाया गया है ऐसी जगहों के लिए जहां पर अक्सर जंगल में आग लग जाती है और आप थर्मल कैमरा की मदद से आसानी से पता लगा सकते हैं कि हीट कहां पर बहुत ज्यादा है। वहीं इसका इस्तेमाल जंगली जानवरों से बचने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही आपको वार्न कर देगा कि सामने की तरफ कोई जानवर है, क्योंकि इसके थर्मल कैमरास आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं सामने दूर खड़े जानवर को भी। तो इस तरीके से इस गैजेट को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1, ऑक्टीलॉक। आजकल कार चोरी होने के केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए अगर आप अपनी चाहें तो कार में एक एडवांस लेवल सिक्योरिटी अटैच कर सकते हैं, जो कि इस तरह के स्टीयरिंग लॉक के रूप में रहेगी। हालांकि जब आप नॉर्मल कार को लॉक करते हैं तो स्टीयरिंग लॉक हो जाती है, लेकिन इसे तोड़ना काफी आसान रहता है। लेकिन ये एक तरीके का ऐसा फिजिकल लॉक होता है जिसे कि आप स्टीयरिंग से फंसा देते हैं और इसके लगने के बाद आप स्टीयरिंग को बिल्कुल भी हिला नहीं सकते, क्योंकि पैरों के बीच में जाकर फंस जाता है। मान लीजिए अगर किसी ने स्टीयरिंग लॉक ओपन कर भी दिया तब भी स्टीयरिंग को रोटेट कराना नामुमकिन रहता है, क्योंकि इसका निचला हिस्सा पैरों में जाकर फंसता है, जिससे कि आप कार बिल्कुल भी ड्राइव नहीं कर सकते। वहीं ये गैजेट एडवांस लेवल सिक्योरिटी ऑप्शन देता है, जिसे कि आप बायोमेट्रिक तरह से अनलॉक कर पाएंगे या फिर अगर आप चाहें तो मोबाइल फोन के ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके भी इसे अनलॉक कर सकते हैं। ये एक बैटरी पावर्ड गैजेट होता है जिसकी सिंगल चार्ज पर बैटरी लगभग 6 महीनों तक काम करेगी और 20% बैटरी होने पर यह फौरन आपको अलर्ट देता है, जिसके बाद आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो काफी एडवांस गैजेट होता है जो कि कार की एडवांस लेवल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर से बताएगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तब तक।